कोंडाली पुलिस ने गोवंश की तस्करी करने वाले ट्रक और पिकअप वाहनों को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की मदद से पकड़ा है। दोनों कार्रवाई में आरोपी वाहन चालक अपने वाहन छोड़कर भागने में कामयाब हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार को कोंडाली पुलिस पथक को ट्रक और पिकअप वाहन से जानवरों की तस्करी किए जाने की जानकारी मिली। जानकारी मिलने के बाद पुलिस पथक ने ट्रक और पिकअप वाहन की तलाश कर उनको रुकने का इशारा किया, परंतु वाहन चालकों ने अपने वाहन न रुकते हुए तेज गति से वाहन भगाने लगे। पुलिस पथक ने काटो से आरवी जा रहे पिकअप वाहन क्रमांक MH37T1057 का पीछा शुरू कर दिया। उक्त वाहन राजमार्ग होते हुए खापरी थामनका और जामगढ़ मार्ग की ओर जाने लगा। इसकी भनक स्थानीय बजरंग दल को लगते ही पुलिस के साथ मिलकर पशु तस्करी करने वाले वाहन का पीछा कर उसे पकड़ा, लेकिन वाहन चालक अपना वाहन छोड़कर भाग निकलने में कामयाब हो गया। थानेदार पंकज वाघोड़े के मार्गदर्शन में पुलिस उपनिरीक्षक धवल देशमुख, किशोर सावरकर, मंकेश मेसनी तथा मोहन वाघमारी ने पिकअप में लदे 5 बैलों को रिहा कर आरोपी फरार वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। लेकिन वाहन में सवार शेख चांद महबूब शेख पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उसी प्रकार 39 गोवंशों से लदा ट्रक क्रमांक MH29-1447 ट्रक को कोंडाली से मांगा से कारंजा तथा वहां से वापस जामगढ़ होते हुए खैरी काजली वर्धा से आगे हिंगना की ओर जा रहा था। पुलिस द्वारा ट्रक का पीछा कर हिंगना पुलिस की मदद से पकड़ा। हिंगना हद में ट्रक के पकड़े जाने से आगे की कार्यवाही हिंगना पुलिस द्वारा की जा रही है। विचारणा केली असता त्या ट्रकामध्ये काही गायी कोंबल्या असल्याची माहिती मिळाली। आम्ही सोबत त्या ट्रकाला जोडलो। पुढे वाटेत समृद्धी महामार्गचा पहिला टोल नाका लागला। त्या ट्रक चालकाने तो नाका तोडत सरळ नागपूर दिशेने धाव घेतली। आम्ही सुद्धा त्याचा पाठलाग सुरू ठेवला। सोबत 3 व्हॅन अजून जोडल्या व आम्ही त्याचा पाठलाग करू लागलो। 2 नागपूर वर्धा यूटर्न करत शॉर्ट रन पुन्हा नागपूरच्या दिशेने निघाला व नागपूर टोल नाका तोडत तो पुन्हा शहराकडे निघाला। तिथे पोलीस व्हॅन्स तिथेच थांबल्या व आम्हाला एकटंच पुढे जावं लागलं। आम्ही पुढे हिंगना पोलीस हद्दीमध्ये ते ट्रक थांबवला। आम्हाला बघत व माझ्या सहकार्यांना बघत ते ट्रक चालक पळून निघाले व आम्ही 112 कॉल करत पुन्हा पोलिसांची मदत घेऊन ती गाडी पोलिसांच्या ताब्यात दिली व सगळ्या गाई तेथील स्थानिक गौरक्षण संस्थेला स्फूर्त केल्या। त्यांनी काढता पाय घेतला। जेव्हा कोणता एक सामान्य नागरिक 1-2 लाख तोडतो किंवा नाका चुकवण्याचा प्रयत्न करतो त्याच्यावर योग्य ती कारवाई करण्यात येते, पण एवढा मोठा थरारक झाल्यावर सुद्धा पोलिसांनी त्याला अभय दिला व त्यांना वाटेत सोडून वापस निघून गेले। ही बाब खूप गंभीर आहे व होत असलेली एवढ्या मोठ्या प्रमाणात गौ तस्करी लवकरात लवकर थांबावी असं एक निवेदन आम्ही लवकरच माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब यांना देणार आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।